के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, खतरनाक, पूरा गाली दिया। भाई कल जो हुआ उसके लिए रोना आ रहा है, लेकिन क्या करें, हम लड़की तो नहीं है जो कूट कूट के रोएंगे और दिखाएंगे रियल में कि ये हुआ, इसीलिए हम रो रहे हैं, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है, रोना नहीं आ रहा इसीलिए। तो ओवर एक्टिंग का 50 रुपया काटो और चलो पॉइंट पे आते हैं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। गाइस अभी लगभग टाइम हो रहा है 2 बज चुका है और वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइस कल का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था शायद मेरा, क्योंकि अपना ड्यूक 250 के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बताएंगे वीडियो में, जरूर से बने रहे। और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना गाइस, बट पूरा देखना और दिखाएंगे भी। सो कल हम लोग शॉपिंग के लिए निकले थे अपना दोस्त के साथ, हम दो थे और मेरा दोस्त का दोस्त, वो दोनों थे, टोटल 4 लोग थे। और हम लोग घर से निकले थे और हम उनसे मतलब हाईवे रोड में मिलने वाले थे, फिर अपना बाइक में फ्यूल अप नहीं था, मतलब पेट्रोल नहीं था। सो हम लोग फ्यूल अप कराने के लिए राइट साइड वाला पेट्रोल पम्प था उसमें गए थे, मतलब रॉन्ग साइड में, तो लेफ्ट साइड में था, बट वो हम लोग क्रॉस कर चुके थे। और मेरा दोस्त का दोस्त जो है वो लोग भी पेट्रोल ला देना बोल के बोले थे, मतलब वो बोतल में 100 रुपये का पेट्रोल भरा और लेके गए थे। फिर मतलब वो बाद में हुआ, पहले क्या हुआ हम बता देते हैं। पहले ये हुआ कि हम लोग निकले घर से, फिर राइट साइड में जो पेट्रोल पम्प था वहाँ गए, हम लोग लेफ्ट साइड से ही गए, उसके बाद राइट से ऐसे टर्न किए, फिर उसी रास्ते से हम लोग रिटर्न जा रहे थे। फिर अचानक से, अबे जल्दी बोल, एक ट्रक था, मतलब ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक के जस्ट पीछे एक रोड था, रोड से अचानक से स्कूटी में 3 बंदे बैठे हुए थे और अचानक से आ गए और हम लोग को ठोक दिया। मतलब किसका गलती है वो तो पता नहीं, मेरा भी, हम लोग का भी गलती है, उन लोग का भी गलती है, क्योंकि हम लोग रॉन्ग साइड से जा रहे थे। बट मैं हॉर्न बजाया था, 2-3 बार बजाया था, लेकिन वो लोग सुना कि नहीं सुना पता नहीं मेरे को, तो उन लोग का चेहरा देख के लग रहा था पिया हुआ था शायद। तो तीन लोग थे वो लोग स्कूटी में बैठे हुए थे और हम दोनों थे, तो हम लोग स्लो ही जा रहे थे। फिर भी वो लोग पूरा स्पीड से आया, मतलब वो ट्रक के पीछे जो रोड था वो पूरा ऐसा ढलान था, तो ढलान में तो चढ़ाने के लिए थोड़ा स्पीड पकड़ना पड़ता है ना, इसीलिए वो लोग पूरा स्पीड में आया और अचानक से अपना बाइक उसी टाइम पहुंच गया और अपना बाइक को टक्कर मार दिया। सो कहां कहां पे लगा है वो आपको अभी हम दिखा रहे हैं, रुकिए जरूर से। सो उसके बाद टक्कर मारा, फिर थोड़ा देर रुके, फिर इतना भयानक गाली देने का मन कर रहा था ना, क्या ही बोले हम। लेकिन गाली दिए, रुको हम आगे दिखाएंगे। तो फिर हम एक अंकल को बुलाए, वो अच्छा से उनको सुनाया, पूरा खतरनाक पूरा गाली दिया, तो आप लोग आगे देखो कैसा गाली दिया वो। भोसड़ी के मदर चौक बहन के लोड़े मच्छर की झाग। सो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे ये स्क्रैच हुआ है, डैमेज हुआ है, तो देखो। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे लगा है बाइक का ये पैनल, टैंक पैनल में लगा है, और यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आप लोग को। सो यहाँ पे कलर छूटा है थोड़ा सा, और उनका लोग का स्कूटी का कलर भी चढ़ा है, और यहाँ पे थोड़ा लगा है, देख सकते हैं कैसा ही लग रहा है, मेरे को तो पूरा ख़राब लग रहा है भाई। कल इसी के बारे में, अब वो तो ठीक नहीं हो सकता।
और यहाँ पे थोड़ा ये रेडिएटर ग्रिल में लगा है, ये वाला है थोड़ा हल्का सा यहाँ पे घिसा है, और ये एक यहाँ नीचे देख सक दिखा देते हैं आपको, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला हल्का हल्का दिख रहा होगा, ये रहा, यहाँ पे भी लगा है थोड़ा सा, और एक नीचे लगा है आपको दिखा देते हैं, ये देख लो यहाँ पे लगा है, देखे ये वाला पूरा डीप, मतलब ज़्यादा लगा है, ये वाला डीप स्क्रैच है, मतलब पूरा उन लोग का है, मतलब आगे का जो टायर रहता है ना स्कूटी का, तो आगे का टायर का जो मडगढ़ रहता है ना उसमें लगा, और वो लोग उनका स्कूटी का भी मडगढ़ पूरा बैंड हो गया, मतलब चपटा हो गया पूरा, तो और कहीं नहीं लगा है, बस इतना ही लगा है, फिर भी 2 महीने ही हुए हैं और ऐसा हो गया, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, क्या करें, अब हो तो गया, अब इसको ठीक नहीं हो सकता, इसको बहुत ख़राब लग रहा है, मेरे को ख़राब दिख भी रहा है, ये वाला कितना चकाचक दिख रहा था, ये ऑरेंज कलर में, यहाँ पे काला दाग चढ़ गया है जैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गाली ठोकने का मन कर रहा था मेरे को उन लोगों को, लेकिन क्या करें, अब इतना थोड़ा सा के लिए तो मार नहीं सकते, लेकिन कोई हाफ माइंड रहता तो ठोक भी देता शायद, छोड़ो हो गया और क्या करें। तो कल ऐसे ही हुआ था, ठोक गया, फिर थोड़ा देर वहाँ पे रुके और वो लोग से बात भी नहीं हुआ, मतलब कैसा है कैसा नहीं, खाली पूछा पूछी किए, उसके बाद हम लोग निकल गए, वो लोग भी अपना निकल गए, फिर हम लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए, फिर शाम को लौटे, शाम को लौटने के बाद सीधा घर, बस इतना ही हुआ था, लेकिन किस्मत ख़राब था कि अपना जो हेलमेट है वो हेलमेट में माउंट नहीं है, और जो हेलमेट में माउंट है वो वाला हेलमेट नहीं पकड़े थे हम, तो गोप्रो नहीं लगा हुआ था, अगर गोप्रो लगा हुआ होता तो पूरा आपको वीडियो दिखा देते कैसा, मतलब टक्कर हुआ था अपना बाइक के साथ, तो यही तो जब मतलब गोप्रो लगाए होते हैं तब कुछ नहीं होता है, और जब नहीं लगाए होते हैं तो ये एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, क्या करें, अपना किस्मत ही ऐसा है, गांडू है साला, क्या बोले। तो हम सोच रहे हैं इसका पैनल को लगा देंगे अभी, ये हेडलाइट का पैनल को, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को भी, सो देख सकते हैं, और भाई लोग भी बोल रहे थे पहले जैसा था वो वही ठीक था, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लगा देंगे पैनल को, तो अभी पैनल निकालेंगे, अंदर है पैनल निकालेंगे, उसके बाद लगा देंगे, तो ब्लॉग में बने रहे। सो गाइस, ये रहा अपना हेडलाइट का पैनल, निकाले थे 2 दिन पहले और आज लगा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को भी देखने में, सो अभी इसको लगाएंगे हम, देख सकते हैं हेडलाइट का पैनल, तो ऐसा लगा हुआ था ये, तो रेडी गाइस। सो गाइस, अपना हेडलाइट पैनल लग चुका है, और अभी देखो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसे देखे थे इसीलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, और बीच में वो निकाल दिए थे पैनल तो ख़राब दिख रहा था, मतलब अजीब दिख रहा था, तो अब कुछ भी चीज़ को स्टार्टिंग से देखे रहते हो और बाद में वो अलग दिखता है तो थोड़ा अजीब लगता है, सो अभी थोड़ा धांसू लग रहा है, देख सकते हैं। और ये जो स्क्रैच है इसको कभी नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा याद रहेगा कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, वो हमेशा माइंड में रहेगा। और उधर N160 है, इसका वीडियो जल्द आएगा, हैंडल बार मॉडिफिकेशन, KTM हैंडल बार लगवा रहे हैं इसमें भी, बहुत जल्द आने वाला है वीडियो, तो बने रहें ब्लॉग में एंड यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करके रखें जरूर से, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोनों बीस्ट है यहाँ पे सामने। तो गाइस, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी जरूर से कर देना, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता है कौन वीडियो देखता है कौन नहीं देखता है, तो कमेंट जरूर से करना, तभी मुझे पता चलेगा कि ये बंदा मतलब अपना वीडियो देखता है। तो
और चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। और ये अपना ब्लैक बीस्ट, इसका हैंडल बार मॉडिफिकेशन वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि KTM हैंडल बार लगवा रहे हैं इसमें। सो बहुत जल्द इसका भी वीडियो आएगा, तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।